अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी सबका। उम्मीद है ठीक होंगे आपका भाई भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक है। तो भाई हमारे यहाँ ना कल एक शदीद तूफान आया था, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, आज दूसरा दिन है व्लॉग का। तो आप लोग वीडियो देखें एंजॉय करें, तो मिलते हैं अभी। अल्लाह अकबर यार, ये फ्रेंड्स देखें, ये इतना तेज़ तूफान आ गया, पता नहीं यार मुँह में आ रही है मट्टी, बड़ा तेज़ है यार, मुझसे रुका भी नहीं जा रहा यहाँ से। तो मैं चलता हूँ, काफ़ी तेज़ है शदीद किस्म का। पहले नॉर्मल मौसम था यार, सुबह शाम को भी मतलब दोपहर के वक्त ठीक था, लेकिन अभी तेज़ आ गया, पता नहीं कहाँ से आया ये। अल्लाह अकबर यार, इतना तेज़ यार, ये तेज़ जितना भी है नुकसान तो हो ही रहा है लोगों का, लेकिन इसमें मज़ा आ रहा है। बादल देखें ऊपर ज़बरदस्त किस्म के आ गए हैं अभी, और ये तेज़ हवा चल रही है, ठंडी हवा यार, मज़ा आ गया यार, मतलब एसी लग गया, और ऊपर से ये देहात वाला माहौल हो, ओए ओए मज़ा आ गया यार, ज़बरदस्त किस्म की ठंडी हवा है। पहले तो रोज़ गर्म हवा लेते थे, लेकिन आज जो है ना इस पल के लिए ठंडी हवा, माशाल्लाह। तो ये देख लें जी, ये इसी तूफान में पहली लहर में गिरा था, सफ़ेदे का दरख्त है। ये वैसे कमज़ोर होता है, पानी ज़्यादा पीता है, लेकिन इसका वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, शायद इसलिए ये गिर गया। तो ये सामने देखें, ये दरख्त गिरे हुए हैं, तो लोगों के ये वैसे दरख्त काफ़ी ज़्यादा गिराए हैं इसे, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ था। पहले भी हर साल आता है ये सीज़न में, हर साल इस मौसम में ये तूफ़ान आता है इसी तरह का तेज़ है, यानी कि जब भी गंदम की फसल काट जाती है और खेतों में हल वगैरह लग जाते हैं, तो इसी किस्म का एक शदीद यानी कि तूफ़ानी लहर हवा जो भी कह लें। इसमें जो है ना बारिश वगैरह का पानी ना चला जाए, क्योंकि ये पानी जाएगा तो ये सड़ जाती है, आपको पता है, इसलिए मैं इसे ढांपने आया था छापर वगैरह से। अभी मज़ीद इसको ढांपना है, फिर जो है ना मैं चला। तो हाँ ये देखें, ये जो नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा है गर्द गुबार, ये पहली लहर का एक शदीद किस्म का तूफ़ान है, जो आगे की तरफ जहाँ तक भी जा रहा है नुकसान देता जा रहा है। ऊपर बादल है, यानी नीचे देखें छत की मिट्टी भी उड़ा कर ले रहा है, लेकर अपने साथ जा रहा है, क्योंकि ये मकान बन रहे थे नए, तो शायद उनके ऊपर मिट्टी थी। अभी मैंने जो है ना मोटर को भी कवर कर लिया है, तो मैं जल्दी घर जाता हूँ, क्योंकि तेज़ तूफ़ान है काफ़ी ज़्यादा, साथ बारिश में होना शुरू हो गई है। तो अभी जो है ना तूफ़ान को तकरीबन पौना घंटा हो चुका है, 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। पहले जो लहर इसकी आई थी वो काफ़ी शदीद किस्म की थी, वो जो है ना काफ़ी सारे लोगों के नुकसान भी करती जा रही है, आगे की तरफ जहाँ तक भी गई है। तो उम्मीद है लोगों का नुकसान अल्लाह करे ना हो इससे, लेकिन लोगों के मकान इससे गिरे हैं। पहले काफ़ी शदीद था, लेकिन दरमियान में ये नॉर्मल हो गया था, अभी फिर से ये तेज़ हो रहा है, पता नहीं कब रुकता है, तो अल्लाह करे ये जल्दी ख़त्म हो जाए, बस बारिश हो जाए, क्योंकि ये बारिश का सीज़न है, थोड़ी थोड़ी हल्की सी हो रही है बस बारिश, हवा ज़्यादा। तो हाँ जी, ये जो दरख्त गिरा हुआ ये भी कल गिरा था, और भी काफ़ी सारे दरख्त हैं जो गिरे हैं, मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई। लोगों के मकानात भी गिरे हैं, नुकसान हुआ है लोगों का, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, इसकी जो पहली लहर थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, बाद में नॉर्मल हो गया था। तले चैना चैना आप खड़े थे, क्योंकि सीधा थी वैसे अल्लाह का बंदा, तो चाह तो सही हूँ। तो वीडियो की एडिट मैंने अभी किया है, और उम्मीद है इंशाल्लाह व्लॉग जो है ना आज ही अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर। तो आज भी मौसम अच्छा है, काफ़ी प्यारा मौसम है, ये तूफ़ान कल नहीं बल्कि परसों आया था तूफ़ान, और अभी मैंने इसे एडिट किया है, क्योंकि एडिट में काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग में टाइम लग जाता है, आपको पता ही है।
तो काफ़ी ज़्यादा यार आजकल थोड़ा बहुत काम चल रहा है, मसरूफियात थोड़ी बहुत हो जाती हैं, और खुद मैं मतलब थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।